गोवर्धन। 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। बीते 3 दिन ऐसी गोवर्धन क्षेत्र में घूम रहे जंगली तेंदुए को सोमवार को 10 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम पकड़ सकी। गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़ेक के जंगल में शनिवार के देर रात्रि खेतों पर काम कर रहे ग्रामीणों ने तेंदुआ को देखा तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मुंह खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल सका। इसके बाद रविवार की देर रात्रि गोवर्धन की आबादी के समीप देखा गया तो वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद सोमवार की सुबह जमुना का मोड़ पर भी सड़क पर आने शोर शराबा होने पर सड़क के नीचे कुलिया में घुस गया। इसके आधा दर्जन वन विभाग की टीम बुलाई गई और दमकल की गाड़ी पानी कंप्रेसर दिया गया। 8 घंटे तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी लेकिन बाद में सोमवार की देर सांझ कामयाबी मिल गई। टीम में DFO आगरा मनीष मित्तल, DFO मथुरा, COH गोवर्धन इटावा लायन सफारी, SI पिंजरे वाली टीम, वन लाइफ SOS आगरा, SI डॉक्टर यदुराज और उनकी रेस्क्यू टीम जिसमें 10 लोग। रिपोर्ट धर्मेंद्र सिंह। हमारे स्टाफ को पूरे सभी को हमने यहाँ पर डिटेक्ट किया है। इसको लगातार वो मॉनिटर करते हैं, पगमास को मॉनिटर करते हैं। पगमास का हम लोगों ने अध्ययन किया। पगमास का अध्ययन करने पर ये लगा कि लेपर्ड हो सकता है। इस कारण से हम लोग उससे सतर्कता बढ़ते हुए हमने वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन को और वन विभाग के जो हमारे उनको इन्फॉर्म किया ताकि हम कोई ट्रैपिंग और आज सवेरे जैसे करके हमको जहाँ जानकारी मिली है कि एक तुरंत ही हमारा स्टाफ यहाँ पर पहुँचा साहब पहुँच के इसकी जो कुलिया के दोनों को एक मेडिकल जांच जिसकी होती है मेडिकल जांच के होगा किसी वाइल्ड लाइफ से अनुमति लेते हुए जंगलों में करीब नंबर तो करीब 400-500 ये स्थिति यहाँ पर राजस्थान के नजदीक में जंगल है कि बीहड़ों में होता है। पास में आपका चंबल की भी और ये मूव भी करते रहते हैं। दूसरी ये कि लॉकडाउन के फायदा वो लेते हुए इस समय काफ़ी जगहों पे खुले में आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि अभी संपर्क में तो कोई बात आया नहीं।